अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हुमैरा जुल्फिकार। और क्या हाल है आप सबका? आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं, उसके बगैर रमजान में हमारा दस्तरखान बिल्कुल अधूरा है। समोसे हो, रोल हो, पकौड़े हो या दही बड़े हो, जब तक इसके साथ इमली की मजेदार सी खट्टी मीठी चटनी ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो चलें, मैं आपको टू मेथड के साथ मजेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना सिखाती हूँ। एक है हेल्दी वर्जन और एक है बहुत ही टेस्टी वर्जन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे, और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों चटनियों में से कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगी। तो चलिए हम अपनी मजेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इमली लेंगे हम 500 ग्राम। इमली को हम गर्म पानी में भिगो के रख देंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद उसके सीड्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम 7-8 खजूर लेंगे, उसको पानी में भिगो के रख देंगे एक घंटे के लिए, और उसके भी हम सीड्स निकाल लेंगे। 1 कप लेंगे हम गुड़ पिसा हुआ, 1 टीस्पून लेंगे हम जीरा, 1 टीस्पून लेंगे हम लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे हम लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे हम लाल कुटी हुई मिर्च, और 1/2 टीस्पून लेंगे हम सॉल्ट, और 1 टीस्पून लेंगे हम अदरक का पाउडर। सीड्स निकालने के बाद हम पहले इमली को ब्लेंड कर लेंगे, और उसके बाद हम खजूर के सीड्स निकालने के बाद खजूर को भी ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक जग में शिफ्ट करेंगे और दोनों को साथ ब्लेंड करेंगे। जब हम अच्छी तरह से इमली और खजूर को ब्लेंड कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसको एक पैन में शिफ्ट कर देंगे और हल्की आंच पर कुक करेंगे। उसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। चमचा चला के उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को मिक्स करेंगे। के बाद हम इसमें अपने बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इसका एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितने मजे की हमारी गुड़ और खजूर वाली चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये जो सेकंड वाली चटनी है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और ये मैंने अपनी अम्मी से ही सीखी है। तो चलिए आज मजेदार सी ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, 250 ग्राम मैंने इमली ली है, इमली के सीड्स मैंने निकाल दिए, 1 कप मैंने ली है चीनी, 1 मुट्ठी मैंने लिया है पुदीना, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा, 1.5 टीस्पून मैंने ली है काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने ली है लाल पिसी हुई मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने ली है लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 इंच का मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, और 7-8 मैंने लिए हैं लहसुन की जवे। इन सब चीजों को हम अपने जग में शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इमली डाली, उसके बाद हमने पुदीना ऐड किया, पुदीने के बाद इसमें मैंने चीनी ऐड की, और उसके बाद मैंने जितने भी मसाले थे वो सब इसमें ऐड कर दिए, और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें बहुत ही मजेदार सी हमारी चटनी रेडी हो गई है। बिलीव मी, इन दोनों चटनियों का ही जायका बहुत ही जबरदस्त है। दोनों चटनियां अपनी अपनी जगह बहुत ही डिलीशियस हैं। गुड़ वाली चटनी का अलग जायका है और चीनी और पुदीने वाली चटनी का अलग जायका है। इन चटनियों को आप एयर टाइट बॉटल्स में करके फ्रिज में रख लें। ये तकरीबन
3-4 हफ्ते तक तो बिल्कुल सही रहेंगी, और अगर आप चाहें तो हाफ को आप फ्रीज कर लें ताकि जब आपको जरूरत हो जब आप निकाल लें। आप दोनों चटनियों को बनाएं और मुझे बताएं आपको इन दोनों में से कौन सी इमली की चटपटी मजेदार चटनी जो है वो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी चटनी की रेसिपीज अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी याद से कर लीजिएगा। इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, फिर आऊंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।